तो इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसे हम लोग लास्ट क्लास के अंदर उन लोगों ने क्या किया था, एक एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस बनाया था। जैसे लास्ट वाले वीडियो अगर आपने मेरे को देखोगे ना, जो अपलोड किया था, उसके अंदर हमने डेटाबेस बनाया था। उस डेटाबेस को हम लोग कैसे फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद हम लोग कैसे उसमें डेटा अब फ्रंट एंड के थ्रू कैसे इंसर्ट करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे हम दोनों ओपन कर लेते हैं। पहले हमने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। हाँ ये हमने, हाँ हमने कोई, मेरे पास एक एप्लीकेशन था, ये मैंने ओपन कर दिया जो पहले से बनी हुई है हमारे पास में। कुछ पेजेस इसमें बने होंगे, नहीं बने होंगे तो हम बना लेंगे, या कोई स्क्रैच लेवल पे आपने नया वेबसाइट खोल लिया, ओपन कर लिया। उसके साथ साथ अपना एसक्यूएल सर्वर भी ओपन कर लो, जहां पे आपका डेटाबेस बना हो या बनाना हो। अगर आपको डेटाबेस नहीं आता बनाने के लिए, तो पुरानी वाली वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे डेटाबेस बना रहे हो। सेम डेटाबेस के अंदर में आपको कैसे लॉग इन करना है, एंड पहले इसको कनेक्ट कर लो। ये आपका डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर में जो ये हमने बनाया था लास्ट क्लास में, उसका नाम हमने रखा था टेलीकॉम डीबी। टेलीकॉम डीबी, टेलीकॉम डीबी के अंदर में हम लोगों ने एक रजिस्टर के नाम से टेबल बनाई थी हमने, यूजर रजिस्टर। ठीक है, और उसके अंदर हमने कुछ कॉलम्स बनाए थे। मैं इसके हिसाब से अब फ्रंट एंड बना रहा हूँ, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें एक डेटा होगा इसके अंदर में। अगर मैं इसको सिलेक्ट टॉप 1000 रोज करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में एक डेटा इंसर्टेड है जिसका नाम ये है जीमेल, ये @gmail.com करके एक डेटा यहाँ पे इंसर्टेड है, राइट। इसके अंदर में हम लोग ये दोबारा से इंसर्ट कराते हैं लाइक फ्रंट एंड के थ्रू। तो हमें क्या करना, सबसे पहले एक फ्रंट एंड पेज डेवलप करना है। इसमें रजिस्टर के नाम से फ्रंट एंड हमने पेज भी ड्रॉ किया था लास्ट टाइम, को याद हो। कुछ हम लोगों ने वैलिडेशन वगैरह किया था, उस वीडियो मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लो पहले, उसके बाद फिर आप इसको कर सकते हो। तो इसमें जो हमने फॉर्म डिजाइन किया है, इसके अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये डेटा मेरे इस वाले टेबल के इस वाले कॉलम में यहाँ पे स्टोर हो जाए। बट उसके लिए हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंगली बनाना होगा, क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ये अलग है, ये स्ट्रक्चर मेरा अलग है। ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल, कंपनी एंड डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मेरे पास है ईमेल, ईमेल पासवर्ड, यूजर नेम एंड मोबाइल नंबर। डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना इसमें, नहीं इसमें मोबाइल का मेरे पास में कंपनी वेबसाइट एंड डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नेम नहीं है इसमें। तो अगर मैं स्ट्रक्चर दूसरा बनाना चाहता हूँ तो दूसरा भी बना सकता हूँ। कैसे बनाएंगे देख लो। जैसे मेरे पास में ये है फॉर्म, मैं यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर एक क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाके मुझे क्रिएट करना होगा टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हो गया रजिस्टर। रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर में कॉलम का नाम है ईमेल, ईमेल, ईमेल को हम लोग यहाँ ले रहे हैं वैरकैर। ईमेल के लिए हम लोगों ने साइज लिया है 35 करेक्टर, और मैं चाहता हूं कि ईमेल जो है वो प्राइमरी की हो, तो यहाँ पे हम इसको प्राइमरी की कर देते हैं। दूसरा है पासवर्ड PWD, वेयर कैप जिसका साइज मैं चाहता हूँ 10 करेक्टर ही हो, और उसके बाद री पासवर्ड है PWD री पासवर्ड, जिसको भी अगेन मैं वेयर कर लेता हूँ, और साइज इसका भी मैंने 10 करेक्टर ले लिया। उसके बाद हमने लिया मोबाइल के लिए मोबाइल, आप इसको इस तरह से ले सकते हो, लाइक जैसे आप जिस हिसाब से आप कॉलम को अंडरस्टैंड करते हो आप हिसाब से ले सकते हो। एंड उसके बाद है कंपनी वेबसाइट एंड डेट ऑफ बर्थ, कंपनी COM, कंपनी 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 हो गया, वेरकेयर हो गया, और कंपनी वेबसाइट के लिए मैंने 50 करेक्टर ले लिया वेबसाइट के URL के लिए। उसके बाद था DOB, डेट ऑफ बर्थ, जिसके लिए मैं अगेन मैंने वेरकेयर ले लिया। साइज मैंने इसका क्या ले लिया, 15 करेक्टर। ठीक है, फाइनली मैंने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये मेरे उसी टेलीकॉम डीबी के अंदर में स्टोर हो गया। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका डेटाबेस का नाम क्या है, आपके टेबल का नाम क्या है। ठीक है, दो चीजें ध्यान होने के बाद आपने आना है फॉर्म पे। फॉर्म में आपने अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस आपने फॉर्म डिजाइन करा है, यहाँ पे सबमिट की कोडिंग आपको करनी है कि जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपका डेटा सबमिट हो जाए। तो जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप सर्वर के साइड के पेज पे चले जाते हो, यानी क्लाइंट साइड पेज पे था थे आप पहले, अब उसके बाद आप सर्वर साइड पेज पे चले जाते हो, जिसका नाम है register.aspx.cs, जिसमें आपका एक मेथड बना हुआ है, इसका नाम है btn login।
उसके क्लिक इवेंट पे आपको एक कोड करना है, राइट। उससे पहले आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है, इस एप्लीकेशन को आपको इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पेज पे भी कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम पेज वेब कॉन्फिग में भी कर सकते हैं। मैं आपको पेज पे करा रहा हूँ। अभी पेज पे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से जाएंगे व्यू के अंदर में, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इसको आप ओपन कर लेना। इस तरह से आपको ओपन मिलेगा। फिर एसक्यूएल सर्वर पे, ये जो एसक्यूएल सर्वर आपको दिख रहा है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, एड एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर ऑलरेडी कनेक्टेड है, एसक्यूएल सर्वर पे नहीं करना है। जो भी इसमें कनेक्शंस ऑलरेडी इसमें दिख रहे हैं ना, एक मिनट, एसक्यूएल राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअली दो डेटाबेस यहाँ पे मेरे पास में कनेक्टेड है, इसको मैं यहाँ से डिसकनेक्ट कर देता हूँ। व्यू में जाओ, सर्वर मैनेजर देखो, यहाँ पे क्या सर्वर एक्सप्लोरर, एक्चुअली मैंने ऑब्जेक्ट ब्राउजर खोल लिया था, सर्वर एक्सप्लोरर आपको ओपन करना है। यहाँ पे जो कोई डेटा कनेक्शन दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे करो ऐड कनेक्शन। ऐड कनेक्शन के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, यहाँ से आके कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्वर का नेम पूछेगा, फिर आप एसक्यूएल सर्वर में जाना है, यहाँ पे जाके फाइल में जाके कनेक्ट एसक्यूएल ऑब्जेक्ट करोगे, जो आपके सर्वर का नेम होगा उसे आप कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन आपका सिलेक्टेड रहने देना। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करना है, या कि या तो आपको ड्रैग करके आपको यहाँ से पिक कर लेना उसका नाम, जैसे आपका नाम, इसका नाम, उसका नाम था टेलीकॉम, टेलीकॉम डीबी ले लिया। यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करने के बाद चेक कर लो एवरीथिंग इज ओके और नॉट। फाइनली जैसे ओके करोगे आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। मेरे सर्वर का नाम हो गया और मेरे डेटाबेस का नाम हो गया। इस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग दिखेगा, इस पे जाना है, राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करना है और यहाँ से आपको कॉपी करना है। इसको पूरा पूरा स्ट्रिंग कॉपी करना है। पूरा स्ट्रिंग कॉपी करने के बाद आप वापस आना है अपने एप्लीकेशन पे। अभी मैंने कॉपी किया है, पेस्ट अभी कहीं नहीं किया है। उससे पहले आपको क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग है वो जो भी कॉपी किया ना अपना, आपने वो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको पेस्ट करने के लिए आपको एक नेम स्पेस यहाँ पे लिखना होगा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। ये आपका क्या है, एक नेम स्पेस है। मैंने आपको बताया था कि नेम स्पेस इज अ लॉजिकल ग्रुप रिलेटेड क्लासेस, बहुत सारा लॉजिकल ग्रुप का क्लासेस होता है, जिसके अंदर मैं एसक्यूएल क्लाइंट को अपने कॉल किया तो एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल क्लास, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, एसक्यूएल डाटा रीडर सब कॉल हो गया। अब मुझे सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन को कॉल करना है, तो एसक्यूएल कनेक्शन के लिए मुझे एसक्यूएल कनेक्शन का एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन, ऑब्जेक्ट का नाम लेता हूँ मैं कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ये क्या कर रहा है, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, किस क्लास का, एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन एक क्लास है और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन के नाम से। न्यू इज अ मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट, जो मेमोरी को एलोकेट कर रहा है कॉन के लिए, ठीक है। इस कॉन के लिए जो यूजर डिफाइंड टाइप ऑब्जेक्ट है, ये प्री डिफाइंड एक क्लास का नाम है जो इसकी वजह से आया, एसक्यूएल क्लाइंट क्लास की वजह से आया। जैसे आपने इसको कॉल किया तो ये ऑब्जेक्ट एक क्लास आप यूज कर सकते हो, जिसका एक आपने एक न्यू इंस्टांस क्रिएट किया। अब इस इंस्टांस के अंदर में क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर में जो आपने वहां पे कॉपी किया था ना, उसको एज इट इज पेस्ट कर दो। अब इसके अंदर क्या आया देखो, इसके अंदर सबसे पहले आया सर्वर का नाम जो हमने कॉपी किया था, उसके बाद आया इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग का मतलब होता है डेटाबेस, डेटाबेस का नाम आया टेलीकॉम डीबी जो हमने बनाया था। और जो एसक्यूएल सर्वर को जोड़ने की जो सिक्योरिटी है वो क्या है, इंटीग्रेटेड ट्रू है, मतलब देर इज नो यूजर आईडी पासवर्ड। आपको याद होगा जब हमने एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट किया था तो वहां पे आईडी पासवर्ड के नीचे में जाके ना हम लोगों ने क्या, विंडोज ऑथेंटिकेशन लिया था। विंडोज ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू। अगर अब विंडोज की जगह पे मैं सर्वर ऑथेंटिकेशन ले लूंगा तो वी हैव टू पुट आईडी एंड पासवर्ड टू कनेक्टिंग द डेटाबेस। तो इसकी ये क्या कह रहा है कि मेरे को कनेक्ट करने के लिए ना इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी जो है ट्रू है, मतलब जोड़ने वाली जो सिक्योरिटी है ट्रू है, फॉल्स नहीं। अगर फॉल्स होता तो क्या करना होता है, यहाँ पे हम आईडी और पासवर्ड दोनों डालना पड़ता। तो अभी तो हम डेवलप कर रहे हैं तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग हो गया वो किसमें पास हो गया, कॉन के अंदर। कॉन इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन। अगर मैं लिखूंगा कॉन डॉट ओपन तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा, और मैं लिखूंगा कॉन डॉट क्लोज तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे जाके मुझे यहाँ पे इंसर्ट कराना है वैल्यू, तो मुझे एक एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी होगी। तो मैंने यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी के नाम से एक स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके अंदर मैं एसक्यूएल की क्वेरी लिखने जा रहा हूँ।
जो कि मैं एक डबल कोट्स के अंदर में स्ट्रिंग में पास करूंगा, जो मैं डेटाबेस में लिखता, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, रजिस्टर, उसके अंदर मुझे वैल्यूज पास करना है। अब वैल्यूज जो पास करना है, मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सी वैल्यू पास करनी है, तो वैल्यू को पास करने के लिए आप यहाँ पे पैरामीटर ले सकते हो। सबसे पहला पैरामीटर था ईमेल के लिए, ईमेल ले लेते हैं, @email @pwt पासवर्ड के लिए, @pasword के बाद मेरा क्या था, री पासवर्ड तो हमें मैच करवाना है ना, सिर्फ उसको इंसर्ट करने का क्या फायदा। उसके बाद है मोबाइल नंबर, तो MOB कर देते हैं। मोबाइल के बाद क्या है, कंपनी, @COM कंपनी, और उसके बाद कंपनी के बाद क्या था, @DOB डेट ऑफ बर्थ, ये हमारे हो गए। ठीक है, अब मुझे एसक्यूएल कमांड लेना होगा। एसक्यूएल कमांड CMD इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आपके वैल्यू पास करोगे, आप उसकी वैल्यू पास करोगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू न्यू CMD, एसक्यूएल कमांड CMD इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेरी पास कर दी। देखो AI की वजह से ये आ रहा है आपके पास, जो आपने ऊपर में क्वेरी लिया था उस क्वेरी को भी पास करना है और कनेक्शन को भी पास करना है, क्योंकि एसक्यूएल कमांड जब पास करेगा तो उसको दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ से इस तरह से लेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, CMD.parameters.addWithValue। अब पैरामीटर के साथ वैल्यू को मुझे ऐड करना है कि कौन से पैरामीटर के साथ कौन सी वैल्यू जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाए हुए हैं ना, तो मुझे यहाँ पे बताना होगा कि पहला वाला जो पैरामीटर है जिसका नाम क्या था, @email है ना, तो उसको डबल कोट्स में आप लिखोगे, @email जो पहला पैरामीटर है ऊपर, उसकी वैल्यू मेरे किसके साथ जानी है, तो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया हुआ था TXT टेक्स्ट बॉक्स ईमेल के टेक्स्ट के साथ, यानी उसकी जो टेक्स्ट होगी उसकी वैल्यू उसके साथ पास होगी। तो उसी तरह से मेरे पास इंटायर जो वैल्यूज हैं वो सारे इस पैरामीटर के थ्रू हमारे पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, अगेन पेस्ट करते हैं, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, ये मेरा गलत हो गया था, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर था PWT, हमने यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर दिया, PWT पासवर्ड। तीसरा पैरामीटर था हमारा मोबाइल के लिए MOB, MOB और कॉम, और कॉम के बाद था DO डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं, TXT पासवर्ड के लिए, उसके बाद मेरा था री पासवर्ड के लिए, TXT री री पासवर्ड, कंट्रोल स्पेस बार दोगे तो आप अपने आप आ जाएगा, कॉम इस नाम से नहीं है कुछ, TXT वेबसाइट के नाम से था, और डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारा क्या था, DOB के नाम से, डेट ऑफ। फाइनली होने के बाद मुझे क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है। हम यहाँ लिखते हैं कॉम डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन करने के लिए, क्योंकि बिना कनेक्शन ओपन किए क्या होगा, इंसर्ट नहीं करा सकते। अभी सारा वैल्यू जो है किसमें गया, CMD के गया, अंदर गया, तो हम क्या करेंगे, CMD को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एग्जीक्यूट के लिए हम लिखते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, यह स्कूल का कमांड है। और फाइनली आपने क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज कर देना है, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। एंड कनेक्शन क्लोज होने के बाद इफ यू वॉन्ट टू शो अ मैसेज कि हाँ भाई सामने वाले को दिखाना है कि हाँ मेरा डेटा सेव हो गया है, रिस्पॉन्स डॉट राइट करके आप यहाँ पे एक मैसेज को शो करा सकते हो। जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर शो कराना है तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट पार्क पास कर देना, स्क्रिप्ट CRIPT स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का जो टाइप है वो अलर्ट है, और स्क्रिप्ट का जो मैसेज है मैंने लिख दिया डेटा सेव्ड, एंड वापस आपने क्या किया, स्क्रिप्ट को यहाँ से क्लोज कर दिया। तो दिस इज एन एंटायर वे टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। इसको मैं एक बार रन करा के देखता हूँ। अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी आपको, मे भी हो सकता है आपने डेटा टाइप गलत डाला हो डेटाबेस की वजह से, या फिर आपने ऑब्जेक्ट का नाम गलत डाला हो, तो प्रॉब्लम आएगी आपको, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने एक ही वैल्यू एक इंस्टॉल कराई हुई थी, मैंने यहाँ पे लिखा b@gmail.com, पासवर्ड मैंने डाला 123, पासवर्ड 123, मोबाइल नंबर, कंपनी की वेबसाइट मैंने डालनी है HTTP करके, क्योंकि हमने वहां पे वैलिडेशन लगाई हुई है www.gmail.com, एंड उसके बाद मुझे कोई स्पेसिफिक नॉट एज मुझे वही सेलेक्ट करना था, दो हजार
पहले का मैं क्या लिया था, उस समय वैलिडेशन डाल रखी है ना हमने, 1999 से लिया हुआ था ना हमने, 1999 से लिया हुआ था। ये भी नहीं ले रहा है 1999, क्योंकि हमने वहां पे क्या वैलिडेशन लगाई थी, तो वैलिडेशन 2000 तक का था ना सर। हाँ तो शायद हम लोग 2000 तक का डाल सकते हैं जनवरी। हाँ ये ले लेगा, सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे एरर आया, क्या एरर आया, ये आया सिस्टम डेटा जो है उसको क्लाइंट कॉलम नेम नंबर ऑफ वैल्यूज नॉट सप्लाइड जो है वो मैच नहीं कर रहा है। हमने जो वहां पे डेटा लिया था और वहां पे हमने जो कॉलम बनाया है दोनों मैच नहीं कर रहे। अच्छा हमने री पासवर्ड के लिए भी यहाँ पे टेबल बना दिया। शिट, री पासवर्ड के लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है, री पासवर्ड बेसिकली आप वैलिडेशन के लिए ले रहे हो ना, जी तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं थी बट हमने बना दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑल्टर करके ड्रॉप कर देते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, रजिस्टर, और यहाँ पे हम लेते हैं ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम क्या था, आरई PWD, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, फंक्शन F5, ये ड्रॉप हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब हम इसको वापस स्टॉप करते हैं और रन कराते हैं, क्योंकि जो री पासवर्ड है ना वो कॉलम इसलिए है ताकि आप यूजर को सही से वेरीफाई करो कि हाँ भाई आपने जो डेटा डाला है वो आपने सही डाला है कि नहीं डाला है, उसके लिए ना कि यूजर के लिए। हमारा था 2000 तक का था डेटा, तो हमने यहाँ पे 2000 यहाँ पे ले लेते हैं, 2020 नहीं, सन 2000, क्या कोई डेटा ले लेगा। कौन सा था डेटा रेंज का, जनवरी तक ही था ना, जब 2000 तक वो जनवरी तक ही रहेगा। सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ मैसेज क्या आ गया, डेटा सेव्ड जो हमने दिखाया था। अभी यहाँ अगर बैकएंड में चेक करोगे आप तो बैकएंड में आपकी वैल्यू जो है वो डेटा में सेव कर चुका होगा। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, नहीं हुआ सेव अभी। टेलीकॉम, ई कॉमर्स, एक मिनट, ये नहीं था ना टेबल मेरा, टेबल मेरी दूसरी है ना इसमें। हम इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारा टेबल का नाम था रजिस्टर्ड, इस पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया b@gmail.com 123 123। ये हमने एक्चुअली पासवर्ड री पासवर्ड के लिए बना दिया था क्या, वो मोबाइल नंबर, हाँ मोबाइल नंबर का नहीं जा रहा है। तो देखो यहाँ पे डेटा प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर पासवर्ड स्टोर करा दिया है। तो यहाँ हमने जो कोडिंग लिखी हुई है ना, अब यहाँ देखो री पासवर्ड वाला कॉलम यहाँ चला गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, मोबाइल नंबर। तो गलती हमारी है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, MOB कर देंगे। यहाँ पे आ गया, अब इसको सेव करके वापस रन करा दो। वैसे रन कराते हो तो आपको डायरेक्टली पहले वो सेव करता है फिर रन कराता है। तो यहाँ पे आपने सपोज कर लो एक वैल्यू डाल दी a@, फॉर्मेटिंग आपको सही डालनी पड़ेगी नहीं तो आपका वो लेगा नहीं। 2545 HTTP, नमस्ते, यहाँ पे आपने क्या करना है, सन 2000 जनवरी, ठीक था ना, एक तारीख लेना, डेटा सेव। देखो आ गया, अभी ये मेरा सीक्वेंस सही हो गया, मोबाइल नंबर वाले, मोबाइल वाले कॉलम में आ गया। इस हिसाब से आप डेटा को स्टोर करा सकते हैं।